ओके सो हेलो गाइस, और एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। अच्छा क्या, ये तो बहुत दिनों से अवेटेड था, तो ये अपडेट फाइनली आ चुका है। और इस अपडेट में आपको ये बताया गया है कि आपको क्लास 11th और क्लास 12th में, जो अभी तुरंत CBSE ने किया था कि दो टर्म्स होंगे उन दोनों टर्म्स का, लेकिन उन्होंने सिलेबस नहीं दिया था, और आज ये सिलेबस आ चुका है। और आपको अब पता चल गया है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, किन किन टर्म्स में क्या क्या पढ़ना है, तो पूरा फुल डिटेल्स है इस वीडियो में, वही मैं बताने वाला हूँ। और ये जो है, दिस हैज़ कम फ्रॉम CBSE, ये CBSE से आया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसी को फॉलो करना है, और जो नवंबर या दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसका टर्म 1, और फिर वैसे ही आगे चल के मार्च अप्रैल में जो एग्जाम्स होंगे वो टर्म 2 के लिए जो सिलेबस होना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि क्या सिलेबस में अपडेट आया है, क्या आपको टर्म 1 में पढ़ना है और टर्म 2 में पढ़ना है। ये दोनों क्लास 11 तो क्लास 12 के लिए, दोनों के लिए एक साथ जो है वो CBSE ने क्या किया है, प्रोवाइड किया है, राइट। तो सिलेबस को देखते हैं कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या आया है। तो देखिए, ये है क्लास 11th के लिए जो अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहले क्लास 11th दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा क्लास 11th में क्या है और 12th में क्या है। तो देखिए, इसमें जो है वो ये सब सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, सीधे आप आइए यहाँ पे आपके कि टर्म 1 में क्या क्या आपको आने वाला है। तो टर्म 1 में आपका यूनिट 1 आने वाला है, जो कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ यूनिट 2 आने वाला है, जिसमें आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी। यानी ये दो चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो दो टर्म्स हैं आपके, मतलब जो टर्म 1 है उसमें आपका सिर्फ दो यूनिट आ रहा है, यूनिट 1 और यूनिट 2, जिसमें बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपका बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंप्यूटर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बुलियन के बारे में, बुलियन अलजेब्रा के बारे में, और साथ ही साथ आपको थोड़ा मोड़ा जो है वो नंबर सिस्टम के बारे में ये जानना होता है। और वैसे ही आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कह सकते हैं कि आप एक तरह से जानते हैं कि आपका एल्गोरिथम्स कैसे लिखे जाते हैं, और फिर छोटे मोटे प्रोग्राम्स आप लिखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली है यूनिट 2 में, जिसमें आप कंप्यूटर पाइथन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे इफ एल्स वगैरह हुआ या लूपिंग वगैरह हुआ, ये सब जो है वो आप पढ़ने वाले हैं, राइट। स्ट्रिंग्स भी पढ़ लेंगे आप। तो मतलब क्या हुआ, ये है आपके टर्म 1 का जो है सिलेबस, राइट। अब इस टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है टर्म 2। टर्म 2 में क्या होता है, देखिए सिंपल सा बात है, इसमें लिस्ट आ जाएगा, ट्यूपल्स आ जाएगा, डिक्शनरी आ जाएगा और मॉड्यूल्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट में बट गया, ठीक है। एक पार्ट में आपका जो है वो जितना भी थियोरिटिकल सेक्शन था कंप्यूटर्स के बारे में, फिर जो है वो आपका सेक्शन था जिसमें आपने बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ ली, जो टर्म 1 है वो, दैट इज व्हाट, दैट इज टर्म 1। और उसके बाद उसमें टर्म 1 में ही आपको मैक्सिमम जो है वो कंडीशनल यानी लूपिंग स्टेटमेंट्स, और साथ ही साथ इटरेटिव स्टेटमेंट्स, यानी लूपिंग को ही इटरेटिव कहते हैं, वो पढ़ना है, और स्ट्रिंग तक पढ़ के बस छोड़ देना है। अब टर्म 2 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ये लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरी और मॉड्यूल्स, और फिर जो यूनिट 3 आपका सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, ये वाली चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है, राइट। तो मतलब ये हुआ 11th का, और बाकी प्रैक्टिकल तो आप सब जानते हैं, इसमें नथिंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे नहीं आएगा, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। प्रैक्टिकल लिस्ट देखिए, सजेस्टेड टर्म 1 है, ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिकल में आ सकता है ये सब आप जरूर, इतने प्रोग्राम्स को तो बिल्कुल कर लीजिएगा जितना यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको शो कर रहा है, ये सारे प्रोग्राम आपको मिनिमम है कर लेने के लिए, ठीक है, टर्म 1 के लिए। और यहाँ पे आपको दिया है टर्म 2 के लिए मिनिमम कौन कौन से प्रोग्राम आपको कर लेने हैं, प्रैक्टिकल्स में ये आ सकता है। ये था आपको क्लास 11th का, और अब शुरू होता है जो है वो क्लास 12th का। क्लास 12th जो है फिर से वही चीज़ है, सेम वही कॉन्सेप्ट, दो टर्म्स में बांटे गए हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम है, मार्किंग में हमें नहीं देना, हमें अभी देखना है कि टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है। तो टर्म 1 में आपको रिवीजन आ रहा है, ठीक है, क्लास 11th का जो आपका चैप्टर होता है पाइथन रिवीजन 2, 1 और 2, ठीक है, ये होता है, दो चैप्टर्स हैं इसके, 1 और 2। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है फंक्शंस का, ये 3rd चैप्टर होता है। फिर ये फाइल हैंडलिंग, यानी कि आप देखो इसमें पूरा फाइल हैंडलिंग पढ़ना है आपको, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल, ये पढ़ना है। मतलब क्या हुआ, चैप्टर 1, 2, ठीक है, जो रिवीजन 2 है, फिर आपका जो है फंक्शंस वो पढ़ लेने हैं यानी चैप्टर 3, और उसके बाद जितना भी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेना है आपको किसमें, टर्म 1 में। और अब आती है बारी टर्म 2 की, ठीक है। तो टर्म 1 का एग्जाम आपको नवंबर वगैरह में हो जाना है, ठीक है, टर्म 2 जो है वो मार्च अप्रैल में होगा। उसके लिए उसमें जो है वो डेटा स्ट्रक्चर जो बच जाता है आपका स्टैक, ठीक है, एंड क्यूज वगैरह का कॉन्सेप्ट, और फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स में नेटवर्किंग के जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, और साथ ही साथ आपको यूनिट 3 में जितने भी SQL के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे SQL कॉन्सेप्ट का वो क्या करना है, पढ़ना है, राइट। तो यही है आपका सिलेबस, बड़ा आसान उन्होंने कर दिया है।
बेसिकली आपको जो टर्म वन में ज़्यादा सिलेबस एक तरह से कह सकते हैं, टर्म टू में सिर्फ आपका एक प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर यानी कि स्टैक के ऊपर बच जाता है जो यहाँ पे आप कर लेंगे, बाकी नेटवर्किंग कंप्लीट थ्योरी है, और साथ ही साथ जो है आपको SQL जो है वो बहुत आसान सेक्शन है। तो मतलब यूनिट टू जो होने वाला है आपका काफ़ी कंपैटिवली आसान होने वाला है एज़ कम्पेयर टू यूनिट वन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है, वो मिसिंग चीज़ें क्या हैं देखिए, वो मिसिंग चीज़ें ये हैं कि इसमें जैसे इसने ये नहीं बताया आपको कि आपको जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ पढ़नी है, ठीक है, यानी कि जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी का चैप्टर है MySQL कनेक्टिविटी, वो किस मॉड्यूल में पढ़नी है ये बताया नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी समय मतलब उसको पढ़ना है, और शायद उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस में कहीं भी कनेक्टिविटी का जिक्र भी नहीं किया गया है कि कनेक्टिविटी कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है, या फिर किस टर्म वन में पढ़ना है या टर्म टू में पढ़ना है, बट हम पढ़ेंगे क्योंकि उसी के बेस पे हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट तैयार होगा। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, और फिर से वही चीज़ देता है यहाँ पे आगे चल के कि आपको है टर्म वन के लिए कौन कौन से मिनिमम प्रोग्राम्स जो है वो प्रैक्टिकल लिस्ट के लिए होने चाहिए, और वैसे ही फिर देता है कि कौन कौन से टर्म टू के लिए जो है वो प्रैक्टिकल लिस्ट के प्रोग्राम्स होने चाहिए, फिर वैसे ही डेटाबेस से रिलेटेड कौन कौन सा होना चाहिए, डेटाबेस में आपको क्या क्या, ये सारे मिनिमम प्रोग्राम्स हैं इनको आप जरूर जो है वो करिएगा, और फिर प्रोजेक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है कि प्रोजेक्ट आपको एक बनाना है, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है ऑब्वियस ही बात है आपको जो है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला सेक्शन क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। तो ये है आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम टर्म वन एंड टर्म टू फ्रॉम CBSE, और अब आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, इसी के बेस पे पूरी तरह से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं इसका लिंक जो है इस PDF का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके इसको आसानी से फिर से पूरी तरह से गो थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।